साथियों नमस्कार। आज हम आपसे विशेष चर्चा करेंगे सामान्य वर्ग को मध्य प्रदेश सरकार की सौगात। साथियों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सामान्य वर्ग को मध्य प्रदेश सरकार की जो सौगात मिली है वह देखने के लिए हमारा पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने आज की डेट में 6/5/2019 को सभी कलेक्टरों को आदेशित किया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबत भारत सरकार द्वारा 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत सरकार की सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो वर्तमान आरक्षण की योजनाओं में नहीं आते को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, जिसका लाभ प्राप्त करने हेतु आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र जारी हेतु कलेक्टर द्वारा पदाभिहित निम्नानुसार अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता, अर्थात कलेक्टर साहब द्वारा जो अधिकारी उन्हें ऑथराइज्ड कर दिया जाएगा। तो अनुविभागीय अधिकारी पहला देखेंगे, राजस्व विभाग के जो अनुविभागीय अधिकारी होंगे उन्हें ऑथराइज्ड किया जाएगा। अच्छा, ये सरकार ने इसलिए दिया है क्योंकि जो 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दिया जाना इसके लिए दिया गया है और दूसरा नंबर तहसीलदार महोदय को भी ऑथराइज्ड किया गया है। हम देखते हैं और आगे, अतः केंद्रीय सेवाओं शिक्षण संस्थाओं में प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी इसका लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र समुचित जांच एवं संतुष्टि के पश्चात जारी किया जाएगा। इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त गाइडलाइन परिशिष्ट अ पर एवं निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट ब पर संलग्न है। उप सचिव द्वारा यह आदेश आज की तारीख में दिया गया है। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें और हमारे चैनल को देखते रहें, जिससे नई नई जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपको अच्छा ना लगे तो भी अनलाइक करें। धन्यवाद धन्यवाद।